So good afternoon everyone. Today's your lecture is lift irrigation. ठीक है, that is the part of BE as well as diploma. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि lift irrigation क्या होता है और हम कैसे इसको analyze करते हैं. ठीक है, तो ये आपका जो terms है वो है आपका lift irrigation. ठीक है, बट इससे पहले जो अपन फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में आपको कवर किए हैं जिसमें आपको पढ़ा गया था टाइप्स ऑफ इरिगेशन. ठीक है, तो आपको पता है कि इरिगेशन जो है हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, इरिगेशन जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है. सबसे पहला है आपका नेचुरल एंड दूसरा है आपका आर्टिफिशियल. ठीक है, एक आपका नेचुरल इरिगेशन होता है, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल इरिगेशन. ठीक है, नेचुरल इरिगेशन में क्या करते हैं, टोटल जो इसमें इरिगेशन होता है वो रेनफॉल के थ्रू होगा. ठीक है, जितना भी हम एरिया को इरिगेट करते हैं वो किसके हाथ से होगा, विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल. लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इरिगेशन कवर करते हैं तो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है आपका फ्लो, फर्स्ट है आपका फ्लो इरिगेशन देन सेकेंड वन है आपका लिफ्ट इरिगेशन. ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन. अब आपको बेसिकली नेचुरल इरिगेशन तो समझ आ गया कि हम क्या होता है, जब भी आपको नेचुरल से कुदरती नेचर के थ्रू अगर डायरेक्टली रेनफॉल हो रहा है तो वो होगा आपका नेचुरल इरिगेशन. लेकिन जब आप क्या करते हो, हम आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ मैन पावर इरिगेशन करते हैं किसी भी एरिया को, तो उसमें क्या होगा, वो होगा आपका आर्टिफिशियल इरिगेशन, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन. ठीक है, तो आपको सबसे पहले फ्लो इरिगेशन डिफाइन करना है, देन लिफ्ट इरिगेशन डिफाइन करना है. ठीक है, तो क्या होता है, फ्लो इरिगेशन में जब भी हम इरिगेशन करते हैं वो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो इरिगेशन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में. ठीक है, जब भी क्या होता है, सपोज ये वाला आपका ये सेक्शन जो है आपका कैनाल का लेवल है. ठीक है, देन इसके थोड़े से डाउनवर्ड सेक्शन पे आपका लैंड एरिया है. ठीक है, सपोज यहाँ टॉप पे है ये आपका कैनाल फ्लो हो रहा है. ठीक है, और कैनाल से थोड़े से मतलब बॉटम साइड पे आपका ये लैंड है. ठीक है, इस एरिया पे आपको इरीगेशन प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, ये सेक्शन को कट करके डायरेक्टली क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लो. ठीक है, ग्रेविटी क्या हुआ, ये ग्रेविटी के थ्रू जो है वाटर फ्लो होके इस लैंड पे जाता है. ठीक है, तो जिस जब भी आपका वाटर ग्रेविटी के थ्रू फ्लो होगा वो आपका फ्लो इरिगेशन होगा. ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा, सेकेंडली लिफ्ट इरिगेशन पे क्या होता है, जब भी आपका वाटर सोर्स जो है, अगर आपका वाटर सोर्स इस लेवल पे है और आपको इरिगेशन करना है थोड़े से हाइट पे, मतलब आपका ये कैनाल फ्लो हो रहा है लेकिन आपका इरिगेशन वाला लैंड थोड़े से हाइट पे है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी के थ्रू कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम इस वाटर सोर्स से पर्टिकुलर हाइट तक विद द हेल्प ऑफ पाइप के थ्रू, ठीक है, पाइप से सब मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, वाटर लिफ्ट कराते हैं टू वाटर से टॉप. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड पंप क्या होगा, वाटर जो है लिफ्ट होगा बॉटम टू टॉप. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैन पावर लगता है और इसका हम पाइप्स या पंप्स का यूज करके क्या करते हैं, वाटर बॉटम से टॉप पे लिफ्ट कराते हैं. ठीक है, तो इसके नाम से भी आप एनालाइज कर सकते हो कि लिफ्ट इरिगेशन में वाटर जो है लिफ्ट होता है. ठीक है, टू बॉटम टू अप. ठीक है, तो उसको बोलेंगे लिफ्ट इरिगेशन. लेकिन फ्लो इरिगेशन में क्या होगा, वाटर जो है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की हेल्प से वाटर जो है आपके ग्राउंड पे फ्लो होगी. ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका वाटर सोर्स जो टॉप पे रहेगा लेकिन आपका लैंड जो है जिसपे इरिगेशन करना है वो बॉटम पे रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के थ्रू वाटर फ्लो हो जाता है. ठीक, तो ये है आपका लिफ्ट इरिगेशन. ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं. देन इसके बाद आपको सबसे पहले लिफ्ट इरिगेशन समझने से पहले इनके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले वो देखते हैं. लिफ्ट इरिगेशन का सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, देन इसके बाद आपको मेन आपका अर्थ सरफेस जो है कैसा है, देन इसके अकॉर्डिंग इसके सोर्सेस हम स्टडी करेंगे.
क्वाड्रेंट शेप में है, जिसका मैं आपका हाफ सेक्शन आपको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका अर्थ सरफेस है, ओके, जिसका आपका टॉप मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट लेवल। ये आपका क्रस्ट लेवल है, ठीक है। जो सेंटर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हम कोर लेवल, ठीक है। और जो ये बीच का जो ये गैप बचा हुआ है, ये है आपका मेंटल लेवल, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव में जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका क्रस्ट लेवल, मेंटल और कोर सेक्शन को आप डिफाइन करिए, ठीक है। तो क्रस्ट लेवल जो है वो ऑलवेज आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ओके, ये आपका सॉलिड सेक्शन रहेगा, जबकि आपका मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। देन जो आपका सबसे इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ सर्फेस का, उसको बोलते हैं कोर, और ये जो है आपका, ये आपका रहता है प्लाज्मा के फॉर्म में, ओके, ठीक है। जहां पे आपका लिक्विड और यहाँ पे फेरस दोनों इसमें प्रेजेंट होता है कोर सेक्शन में। तो आपको पूछा जाएगा कि आपका अर्थ सर्फेस का शेप एंड इसके डिफरेंट सेक्शन आपको डिफाइन करने हैं, ठीक। तो आपका अर्थ सर्फेस जो है वो स्फेरॉइडल शेप पे है, जिसमें आपका सबसे टॉप मोस्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट लेवल, जो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। सेंटर मोस्ट पार्ट जो है वो कोर है, जो कि आपका प्लाज्मा फॉर्म में रहेगा, और आपका जो मेन लेवल जो है सेंटर पे जहाँ जो स्पेस है इसको बोलेंगे हम मेंटल, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। देन इसके बाद आप देखो, ये जो आपका क्रस्ट लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपरली एक लेयर पे नहीं है, प्रॉपर इसका कोई डेफिनेट सेक्शन नहीं है, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि क्रस्ट का विड्थ जो है आप कितना कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपका जो ये क्रस्ट का विड्थ है वो 25 किलोमीटर जो है हमको कंसिडर करना रहता है, ठीक है, ठीक है। और ये लेवल जो है क्रस्ट का लेवल वो पर्टिकुलर सेम एज इट इज सेम पॉइंट में ही रहता है, ठीक है। अलग अलग सेक्शन पे इसका जो विड्थ है वो अलग अलग रहेगा, ठीक, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड आपको पूछा जाए तो 25 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट लेवल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, ये क्रस्ट लेवल जो है अलग अलग सेक्शन से मिलकर बना हुआ है, ठीक, पर्टिकुलर सेम एक ही सेक्शन से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, क्रस्ट लेवल को अलग अलग लेयर्स के फॉर्म पे स्टडी करोगे, ठीक। तो ये देखो आपका ये क्रस्ट लेवल है जिसको हम अलग अलग फॉर्म पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लेयर है वो सिर्फ एक लेयर से मिलकर नहीं बना है, अलग अलग लेयर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ये अलग अलग लेयर से मिलकर आपका क्रस्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो उसी का ये लेयर्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक। तो ये जो आपका फर्स्ट लेयर है, देन ये है जो आपका सेकेंड लेयर है, देन अगेन आपका थर्ड लेयर, देन ये आपका फोर्थ लेयर, ओके। तो आपका जो फर्स्ट लेयर होगा क्रस्ट पे, उसको हम बोलते हैं परवियस लेयर। ये जो सेक्शन है ये है आपका परवियस लेयर, देन सेकेंड है इनपरवियस लेयर, ठीक है। देन अगेन फिर से आपका है परवियस लेयर, देन अगेन आपका इनपरवियस लेयर, ठीक है। तो आपका जो ये सरफेस जो है, क्रस्ट लेवल जो है, बेसिकली परवियस और इनपरवियस ये दोनों टाइप्स के लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आपका परवियस और इनपरवियस लेयर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, तो ऐसा लेयर जहाँ पे हम वाटर को इजिली फ्लो करा सकते हैं, ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी होती है दैट विल बी फ्लो वाटर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। तो इसकी अंदर की कैपेबिलिटी है ये वाटर को फ्लो करा सकता है, ठीक है, फ्लो वाटर एज वेल एज ये क्या कर सकता है, वाटर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो जिस लेयर पे हम वाटर को फ्लो करा सकते हैं वन प्लेस से अदर प्लेस, या फिर वाटर को इस लेयर पे हम स्टोर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम परवियस लेयर, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट है आपका इनपरवियस लेयर, ठीक। तो इनपरवियस लेयर जो है एक सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसमें ना तो हम वाटर को होल्ड कर सकते हैं और ना ही फ्लो करा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम इनपरवियस लेयर। तो ये पूरा जो आपका क्रस्ट लेवल है, परवियस, इनपरवियस, परवियस और इनपरवियस लेयर, ऐसे आपस में मिलके ये बना होता है, ठीक है। सपोज आप जब भी बोरवेल कराते हैं, ठीक है, तो अगर आप बोरवेल करा
आपका सरफेस, ठीक। आप क्या करते हो, पाइपलाइन डालते हो, ठीक है, पाइपलाइन यहाँ पे डालते हो, देन आपको वाटर जो है इस लेयर पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लेयर है, परवियस लेयर, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी लोगों को 40 या 45 फीट पे ही वाटर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन कुछ जैसे जैसे कि राजस्थान वगैरह एरिया पे ऐसा होता है कि हम 250 फीट 300 फीट भी अगर गड्ढा कर रहे हैं तो हमको वाटर प्रेजेंट वहाँ पे नहीं होता, ठीक। तो जस्ट बिकॉज क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो मेन अगर छत्तीसगढ़ अगर देखें तो वहाँ पे परवियस लेयर की ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन आपका जो राजस्थान वगैरह एरिया है वहाँ पे इम्परवियस लेयर जो है प्रेजेंट होता है मोस्टली, ठीक। इस वजह से वहाँ वाटर हमको इजली अवेलेबल नहीं हो पाते। अब जैसे कि देखो यहाँ पे हम बोरवेल कर रहे हैं और पाइप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइप अगर यहाँ पे है तो इजली यहाँ पे क्या लेयर है, परवियस लेयर, तो वाटर प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर पाइप जो है हम कम से कम यहाँ तक अगर डाल रहे हैं और यहाँ पे अगर इम्परवियस लेयर है तो बोलते हैं कि हमको 100 फीट हो गए लेकिन हमको वाटर वहाँ पे नहीं मिल रहा है। जस्ट बिकॉज रीजन ये है कि वहाँ पे आपका पाइप जहाँ तक गया है वहाँ पे कौन सा लेयर आ गया है, इम्परवियस लेयर, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि हमको फिर से और ज़्यादा क्या करना पड़ता है, हमको एक्सीडेंट करना पड़ता है, देन फिर से यहाँ पे क्या हुआ, परवियस लेयर। तो आपकी पाइप लाइन हम ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं कि जब तक वहाँ पे परवियस लेयर तक प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है कि आपका क्रस्ट लेवल जो है परवियस और इम्परवियस लेयर से मिलकर बना होता है, और परवियस लेयर में वाटर हम फ्लो करा सकते हैं एज वेल एज हम वाटर होल्ड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्रस्ट लेवल और इसपे आपका बेसिकली ये 4 सेक्शन है, ठीक है। अब आपको देखना है कि परवियस लेयर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये परवियस लेयर भी इसके 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसका हम नेम देखते हैं, एक्विफर लेयर, एक्विफर लेयर, एक्वीटार्ट, एक्वीटार्ट लेयर, एक्वी क्लाउड, और लास्ट में आता है आपका एक्वीफ्यूज लेयर, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, परवियस लेयर को कैटेगराइज कर रहे हैं, ये आपका परवियस लेयर है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में हम क्या किए हैं, परवियस लेयर को हम डिफाइन किए हैं, ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली वाइवा में पूछा जाएगा कि परवियस लेयर क्या होता है, ठीक है, और परवियस लेयर के 4 टाइप्स को आपको डिफाइन करना है। तो फर्स्ट है एक्वीफर, एक्वीटार्ट, एक्वीक्लॉग और एक्वीफ्यूज लेयर, ठीक है। तो एक्वीफर लेयर ऐसा लेयर होता है जहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है टोटली परमिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होगा वो होगा आपका परमिएबल, ठीक। दैट मीन्स इस वाले सेक्शन में एक्वीफर लेयर में हम ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वन प्लेस से अदर प्लेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल जो है वो अनकंसोलिडेटेड ये है आपका एक्वीफर लेयर है, ठीक है। देन सेकेंड है एक्वीटार्ट लेयर, इसमें क्या होगा, ये पार्शियली परमिएबल होता है, पार्शियली परमिएबल लेयर होता है, ठीक है। दैट मींस ये टोटली परमिएबल नहीं होगा, पार्शियली परमिएबल होगा, ठीक है। देन एक्वीटार्ट लेयर जो है ये पोरस फॉर्म में होता है, पोरस फॉर्म में होगा, और लास्ट में आपका एक्वीटार्ट एक्वीफ्यूज लेयर ये है आपका नॉन पोरस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको वन बाय वन आपको एनालाइज करना है कि आपका परवियस लेयर क्या है और परवियस लेयर के चारों भाग को आपको रिटेंड करना है, ठीक है। जिसमें कि आपका एक परमिएबल होगा, एक पार्शियली परमिएबल, देन थर्ड है आपका पोरस एंड फोर्थ है नॉन पोरस, ओके। देन इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं, ओके। थैंक यू।